जय भीम, जय भारत। आज जंतर मंतर पर एक इतिहास लिखा जा रहा है और भाई चंद्रशेखर आजाद, आपने ये साबित कर दिया है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, बिरसा, फूले, पेरियार की संतानें अब वापस इस मुल्क पर हुकूमत करने के लिए तैयार हैं। और आज इस मंच पर भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ इस देश भर में जितने भी लोग संविधान में भरोसा रखते हैं वो सारे यहां पर इकट्ठा है और देश भर में आपको सुना जा रहा है। इसके लिए आप सबको बधाई दे रहा हूं मैं। कुछ दिन पहले हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद पर कुछ मनुवादियों ने हमला करने की कोशिश की। उनको लगा कि ये हौसला तोड़ देंगे, उनको लगा कि डरा देंगे, उनको लगा कि बिखेर देंगे, मगर आज जंतर मंतर पर भीम आर्मी के स्थापना दिवस पर आज आप सब लोगों ने इकट्ठा होकर के उन तमाम आतताइयों को एक पैगाम दिया है कि बाबा साहब अंबेडकर के वारिस अब डरने वाले नहीं है और ताकत से आपके सामने खड़े होंगे। पीछे हो जाओ, पहले तुमसे कोई बात नहीं होगी, अभी तुम अनुशासन हीनता कर रहे हो। पीछे हो जाओ, एक फीट पीछे हटाओ। तुम्हारी वजह से मंच गिर जाएगा बच्चों। जोश ठीक है लेकिन जोश के साथ होश भी रखना पड़ता है। सारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, उसके लिए काम करना पड़ेगा। इनको यहाँ वॉलंटियर आके इनको पीछे करा दो, डिस्टर्ब हो रहा है। सम्मानी नेता बोल रहे हैं, कुछ सुन ही नहीं पा रहे हैं इनकी वजह से। मेरा एक आग्रह है, आप अपने सीनियर लीडर्स को बैठने दें, आप लोग थोड़ी सी जगह बना दें, आप ही की वजह पे पूरा मंच हो गया है। थोड़ा सा हमारे साथ ही मदद करा, स्टेज पे जो लोग बैठे हैं आपके सीनियर लीडर बैठेंगे तभी तो सम्मान बचेगा ना। एक नारा हमारे साथ, आप लोग बोलेंगे जय भीम, जय भीम, जय भीम। साथियों, आज भीम आर्मी के प्रमुख, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर जी पर जानलेवा हुए हमले के विरोध में आयोजित इस प्रोटेस्ट डे में हमारे बीच में उपस्थित हमारे नौजवान क्रांतिकारी साथी भाई चंद्रशेखर आजाद जी, हमारे बीच में उपस्थित दिल्ली के पूर्व मंत्री जय भीम मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई राजेंद्र पाल गौतम जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई मंजूर अहमद साहब जी, साथ ही साथ मंच पर बैठे हुए विभिन्न राजनीतिक सामाजिक संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महासचिवगण, पदाधिकारी साथीगण, मंच पर बैठे हुए हमारे सभी सम्मानित नेता साथीगण, और आज यहां पर जंतर मंतर मैदान के अंदर जंतर मंतर के चारों ओर पूरा का पूरा जो जनसैलाब उमड़ा हुआ है वो बिल्कुल नीरा हो गया है। और साथियों, मैं कहना चाहता हूं आज केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार एक साजिश के तहत पर जानलेवा हमला कर रही है। यही नहीं, जहां एक ओर भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक आरक्षण का कर जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए देने का काम किया था, ये डबल इंजन की भाजपा सरकार उस आरक्षण को भी खत्म करने पर तुली हुई है। आज जिस
जिस तरीके से जन से